मैं तेरी जुल्फों की छाव में इस कदर खो गया, वाह वाह वाह, मैं तेरी जुल्फों की छाव में इस कदर खो गया, मैं जाम लिए बैठा था और बदनाम हो गया। बदनाम होने के लिए ना बेटा कुछ कांड करने पड़ते हैं, और वो तेरे बस की है नहीं। क्या कांड वांड की बातें करते रहते हो, मैं ये ऑफिस फन फ्राइडे की तैयारी कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। देख फन वन की बातें ना तेरे मुँह से अच्छी नहीं लगती, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ाई है मैंने। अरे यार ये लड़की पटाने वाले किससे फिर से शुरू हो गए, करने दो ना यार प्लीज। काव्या, फ्लैट नंबर 501, वेट 45, हाइट 5.5, सोसाइटी के प्रोग्राम में तूने छुपाना भी नहीं गाया था ना। आप स्टॉक कर रहे हो उसे? तू कर रहा है उसे स्टॉक? मेरी डायरी बड़ी है तेरी। तो मुझे भी स्टॉक कर रहे हो? ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा यार, वैसे अगर तुझे मेरी गैस की प्रॉब्लम से इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देता ना, मैं मूली के पराठे थोड़े से कम खा लेता। अरे क्या करते रहते हो यार आप? करना तो तुझे पड़ेगा उसे प्रपोज, अब वो थोड़ी ना आएगी यार डोरवेल पे जाके अंदर। एक मिनट मैं खोलता हूँ। हाय। हाय बेटा, हाय बोलो। हाय 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 अंकल, वो मेरा लॉक नहीं खुल रहा है, आपके पास किसी चाबी वाले का नंबर होगा क्या? चाबी वाले क्या जरूरत है बेटा, अपने घर में है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 10 लाख का पैकेज है इसका, 71 तो मिल ही जाते हैं कटपटा के, है कि नहीं? देखो क्या हो सकता है। मैं देखो ना क्या हो सकता है। प्लीज हाँ थोड़ा हेल्प कर, जाओ हाँ मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा ये है हाँ ओके प्लीज। बेटा क्या करते हो वैसे आप? अंकल मैं मार्केटिंग में हूँ। वाओ, पता है मैं भी वो 5 भाई साबुन की मार्केटिंग में था। गुड जॉब। और घर में कौन कौन है? अंकल घर में मम्मी है, पापा है, एक छोटा भाई है। अच्छा, और अच्छा। और गोत्र क्या होगा? खराश हो गई है ना? वो क्या है ना बेटा, वो दिन भर शायरी बोलता रहता है, बहुत अच्छा लिखता है ये, बहुत बढ़िया। बेटा वाली सुनाओ ना तुम, वो अपनी वो तेरी जुल्फों के साए। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया हाँ खुल गया। थैंक यू सो मच यार, मैं कब से स्ट्रगल कर रही थी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। ओके थैंक यू अंकल, बाय बाय। चली गई, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ताला खोलने की? मैं बात कर रहा था ना। अरे मैंने बोला था क्या बात करने के लिए, मैं कर लूंगा ना अपना। पर ये क्या है जुल्फो, आप हटो यार, कुछ भी बोलते रहते हो आप। अरे सुनो, एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत पड़ती है, ऐसे तो ये सिंगल ही रह जाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कॉफी? हाँ तो रख दे। क्या क्या हो रहा है, क्या किया है आपने इस बार बताइए। कुछ नहीं पापा, झूठ मत बोलिए कि पिछली बार ऐसे टहले थे ना, वो जोधपुर वाली मासी अपने ननन के बेटे का रिश्ता लेके आई थी, और उसकी तो कोई बेटी भी नहीं है। मतलब सुषमा उनके बेटे का नाम है? वो सब छोड़, डॉक्टर ने बोला था 7,000 कदम चलने के लिए,
बस इसलिए टहल रहा हूँ। हाँ बट डॉक्टर ने तो मेडिसिन भी लेने को कहा था ना, लेकिन आप तो बाहर से लेके नहीं आए होगे उसको। अग्रवाल से दवाई लेना छोड़ दिया मैंने, डिस्काउंट तो देता नहीं है वो, इससे अच्छा तो फार्मेसी वाले। Medi25 कूपन कोड पे 25% डिस्काउंट मिलता है। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन आपसे ना इंस्टाग्राम पे एक फोटो नहीं अपलोड की जाती, आप कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करोगे? क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ों को आप? बहुत ईजी है, बहुत यूज़र फ्रेंडली ऐप है, ये देख एक मिनट में ऑर्डर कर सकते हैं। अरे हाँ, लेकिन आपको डायबिटीज़ है, एक मिनट में ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी आने को तो 4 दिन लगेगा ना, तब तो क्या करोगे आप पापा? अरे यही तो खास बात है इन फार्मेसी वालों की, 4 घंटे में डिलीवरी दे देते हैं, और तो और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बुक कर सकते हो। अरे वाह, ये तो अच्छा है। तो आप अपने टाइमली टेस्ट करवाया करो ना पापा। हाँ करूँगा। नहीं आप हाँ हाँ बोलते हो, करते नहीं हो। अब मैं खोलो ना जाके। जा रहा हूँ, वो आप बुक करवाइए। हाँ मैं करवा रहा हूँ। ये वो सिक्योरिटी वाले भैया ने अंकल के लिए भेजा है। अंकल के लिए? अरे मेरा सामान आ गया। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू बेटा, आओ ना। हैप्पी बर्थडे? आपका बर्थडे तो पिछले सर्टिफिकेट वाला था ना, आज रियल वाला है। आओ ना बेटा। अच्छा आ जा आ जा। अरे नहीं वो अंकल मुझे कुछ काम है, आप लोग एंजॉय कीजिए, हैप्पी बर्थडे। अब अकेला आदमी क्या एंजॉय करेगा बेटा, ये भी लैपटॉप में बिजी हो जाएगा। अब एक बूढ़ा आदमी अकेले क्या ही मजे ले पाएगा, पड़ोसी भी बिजी है ना। कोई नहीं, मैं अकेले काट लूंगा केक। चाकू कहाँ है? अरे नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। आप अरे ऐसी बात नहीं है तो आओ ना बेटा, अपना ही घर है। बैठो 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 बैठो। जी जी जी। बैठो ना बेटा, बैठना। कंफर्टेबल? हाँ जी अंकल। अच्छा है ना घर? हाँ अंकल बहुत अच्छा है, मतलब आप दोनों ने बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू बेटा। बेटा वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अंकल मैं बनारस से हूँ। अच्छा अच्छा, अरे बनारस से मतलब एकदम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बेकार जगह है। हाँ ठगों की बस्ती है वो। अरे कुछ साल पहले मुझे भी लूट लिया था, शादी हो गई थी ना मेरी, ससुराल वहीं है। और वैसे बेटा कोई बॉयफ्रेंड होगा अपना? पापा कुछ भी क्या पूछ रहे हो आप? अरे नहीं अंकल वो काम में इतना बिजी रहती हूँ ना, तो इस सब के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा लेकिन बेटा वैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, ये सब काम ना जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। अपना शर्मा जी का लौंडा नहीं है नीचे, 40 साल का हो गया। शादी में पापा रेडी हो जाओ, मतलब केक काटना है, आपको बर्थडे है ना। हाँ, मैं रेडी होकर आता हूँ, है ना। आप लोग बातें करो। अंकल कितने स्वीट है ना। हाँ तभी तो डायबिटीज है। क्या? नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली इतने टाइम से तुम यहाँ सामने ही रहती हो, लेकिन हमारा इस तरीके से एक दूसरे से कभी मिलना ही नहीं हुआ ना। हाँ तो तुम भी तो इतने टाइम से सामने से गुजर जाते पर कभी हाय भी नहीं बोला ना। ओ अच्छा, हाँ हाय। अब अंकल रेडी होने गए हैं, तब तक डेकोरेट कर लें क्या? उनको अच्छा लगेगा ना। हाँ करते हैं। करते हैं ना। It was happy birthday. Happy birthday. Acha. Yeah. Okay. Yeah, laga de. I think thoda upar karne kya? Acha. Ek minute. Thank you. Lag gaya? Ha, lag gaya. Ye bhi lag gaya.
या तुम बैडमिंटन बड़ा बढ़िया खेलती हो, मैंने सोसाइटी में देखा है। अरे तो तुम कभी आएगी नहीं खेलने? नहीं नहीं, तुम इतने तेज से वो स्मैश शॉट मारती हो, मेरी तो फट मतलब फालतू में बेइज्जती हो जाती ना, तो इसलिए मैं कभी आया ही नहीं। मैंने भी तुम्हारी शेरो शायरियां सुनी है, बाहर तक आवाज आती है ना। तो तुमने दो बार सोसाइटी में कंप्लेंट की थी। अरे नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही हूं, मतलब मुझे अच्छी लगती है, और स्पेशली वो जुल्फों वाली। अच्छा वो सुनी है तुमने? हां पसंद है। हां थैंक यू, गुब्बारे फुलाता हूं मैं, आ जाओ। कौन था? फार्म इजी से आपके मेडिसिन आए। देखा, मैंने बोला था ना 4 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। क्या पहना है आपने? अच्छा लग रहा हूँ ना? अरे अपनी सारी सेल्स मीट में यही तो पहनता था मैं, मिसेस बोरा और मिसेस खन्ना दोनों फोटो खिंचाने के लिए मरती थी मेरे साथ। अंकल आप बहुत अच्छे लग रहे हो। है ना, मैं खिंचाती हूँ ना आपके साथ फोटोग्राफ। ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, बहुत अच्छा सजा है। थैंक यू। काटू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। तू तो हर बार खाते है ना। अरे अंकल आपका बर्थडे ना, आप खाइए ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, लो ना के ले। वैसे बहुत मजा आया अंकल आपके साल का दूसरा बर्थडे मना के। नो सीरियसली, सच में मुझे बहुत मजा आया, मतलब ये डेकोरेशन में हमने बहुत बातें की, बट थैंक यू सो मच। नाउ आई विल टेक अ लीव। ओके, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। नाइट। वैसे बैडमिंटन में मैं अपने फ्रेंड्स पर स्मैश नहीं मारती। सो इफ यू वांट टू प्ले यू कैन डेफिनेटली कम। ओके अंकल, बाय। बाय बाय। तो तेरे लिए एक रैकेट ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं? वो काव्य आपके बारे में सही कहती है। क्या स्वीट तो हो आप। गाइस, आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए एंड ऑर्डर ऑल योर मेडिसिंस फ्रॉम फार्म इजी एंड Save 25% on your first order by using the code MEDI25. और ये app download करने के लिए जो link है वो description में दी है। And for your daily dose of entertainment, do subscribe RBCJ.